हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हमारी वीडियो एकदम से हटके होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में बात करनी है हमारे कलर्स के बारे में, एक्रेलिक कलर के बारे में और पोस्टर कलर के बारे में। इन दोनों की सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं और डिससिमिलैरिटीज क्या हैं, और कौन सा वाला कलर कौन से सर्फेस पर ज़्यादा अच्छे से होता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट होने से पहले जल्दी जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकी प्राइसिंग से। तो दोनों में ही 12 कलर ऑफ शीट्स हैं, और ये वाला है हमारा एक्रेलिक वाला है 190 का, एंड हमारे पोस्टर कलर्स है 170 के। तो ऑफ़ कोर्स पोस्टर कलर थोड़े सस्ते हैं हमारे। एक्रेलिक कलर में भी बहुत सारी वेराइटीज़ आती है, लाइक यहाँ पे है मेरे पास ट्यूब कलर्स। तो इन ट्यूब कलर्स की प्राइसिंग है 650। तो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप लोग बिगनर हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप एक्रेलिक कलर खरीद रहे हैं तो आप ये वाले कलर लें जो बॉटल्स में आते हैं, ना कि ये ट्यूब कलर्स लें अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं पेंटिंग बनाना। तो चलो दोनों कलर्स को पेपर पे अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक्रेलिक यूज़ करेंगे, फिर पोस्टर। मैंने दोनों कलर्स पेपर पे अप्लाई किए, एंड सी ये कितना शाइनी है एक्रेलिक वाला, एंड सी पोस्टर इज़ डल। सो जो एक्रेलिक होते हैं वो थिक होते हैं, तो उन्हें पेपर पे यूज़ करने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर यूज़ करना पड़ता है। बट पोस्टर के लिए ऐसा नहीं है, पोस्टर में हम थोड़ा सा पानी ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। तो जो एक्रेलिक कलर्स होते हैं वो कैनवास के लिए बेस्ट होते हैं। अगर आपको कैनवास पे करने हैं तो एक्रेलिक कलर की यूज़ करना, लाइक पोस्टर कलर्स चाहे कितना अच्छे से भी ड्राई हो जाएगा फिर भी वो पानी लगेगा, वो रिमूव हो जाएगा, बट एक्रेलिक कलर ऐसे रिमूव नहीं होते। सी पानी अप्लाई करते ही पोस्टर फेड होने लगे, बट एक्रेलिक नहीं। वो चलो मैं बताती हूँ एक्रेलिक कलर अगर हमें कैनवास पे यूज़ करना है तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है। अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं कैनवास पे पेंट करना तो कैसे स्टार्ट करना है, क्या ट्रिक्स होती हैं और किस वे से यूज़ होता है। सो सबसे पहले हम हमारे कैनवास पे एक कोट जेसो का लगाएंगे, जिससे हमारा कैनवास का सर्फेस एकदम स्मूथ हो जाएगा और पेंटिंग के लिए एकदम परफेक्ट। तो इसे ड्राई होने देंगे, और ड्राई होने के बाद ये रेडी है पेंटिंग के लिए। सो जो एक्रेलिक कलर्स है उनसे आप कहीं पे भी पेंट कर सकते हो, खाली कैनवास और पेपर पे ही नहीं, आप लाइक क्लोथ हो गए, वुड हो गई या मिरर हो गया, किसी भी चीज़ पे पेंट कर सकते हैं। तो पर्सनली मुझे एक्रेलिक कलर्स बहुत पसंद है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आपको एज अ बिगनर पता होनी चाहिए, और अगर आप कैनवास पेंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो पसंद किया होगा और इन्जॉय किया होगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।